बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देश के 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। 21 राज्यों में 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत आ गया है। अंडमान निकोबार में 45.48% वोटिंग हुई है, जहां अरुणाचल में 93.2% वोटिंग हुई है, असम में 60.70% वोटिंग हुई है, वहीं बिहार में 39.73% वोटिंग हुई है। बात करें पुडुचेरी की तो वहां 58.85% वोटिंग हुई है और राजस्थान में 51.57% वोटिंग हुई है। सिक्किम में 52.72% वोटिंग हुई है, वहीं तमिलनाडु में 50.80% मतदान हुए हैं। त्रिपुरा की बात करें तो वहां 58.35% वोटिंग हुई है, उत्तर प्रदेश में 47.44% वोटिंग हुई है। बताते देश के 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हुआ है आज, जहां 21 राज्यों में 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत अभी सामने आ गया है। अंडमान निकोबार में 45.48% वोटिंग हुई है, अरुणाचल में 53.2% वोटिंग हुई है, असम की बात करें तो 60.70% मतदान हुआ है, बिहार की बात करें तो 39.73% वोटिंग हुआ है, वहीं छत्तीसगढ़ में 58.14% वोटिंग हुई है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो 57.9% वोटिंग हुई है, वहीं लक्षद्वीप में 43.98% वोटिंग हुई है, मणिपुर की बात करें तो 62.58% वोटिंग हुई है और मेघालय में 61.95% वोटिंग हुई है, मिजोरम में 48.99% वोटिंग हुई है, नागालैंड में 50.61% वोटिंग हुई है। पुडुचेरी की ओर चले तो वहां 58.85% वोटिंग हुई है और राजस्थान में 61.57% वोटिंग हुई है, त्रिपुरा में 58.35% वोटिंग हुई है, वहीं उत्तर प्रदेश में 47.44% वोटिंग हुई है। हम आपको बता रहे हैं 21 राज्यों में 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ गया है। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा फीसदी मतदान हुआ है। बता दें देश के 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज मतदान हुआ है और 21 राज्यों में 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत क्या है। अंडमान निकोबार में 45.48% वोटिंग हुई है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में 53.2% वोटिंग हुई है, असम में 60.70% वोटिंग हुई है, वहीं बिहार में 39.73% वोटिंग हुई है, छत्तीसगढ़ में 58.14% का लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, लक्षद्वीप में 43.98% वोटिंग हुई है, मध्य प्रदेश की बात करें तो 53.40% वोट वहां पड़े हैं, महाराष्ट्र में 44.12% का मतदान हुआ है और मणिपुर में 62.58% मतदान हुए हैं। पुडुचेरी की बात करें तो 58.85% मतदान हुए हैं और राजस्थान में 61.57% वोटिंग हुई है। सिक्किम की बात करें तो 52.72% मतदान हुए हैं और तमिलनाडु में 50.80% मतदान पड़े हैं। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में 58.35% वोटिंग हुई है और उत्तर प्रदेश में 47.44% वोटिंग हुई है। उत्तराखंड की तरफ चलें तो 45.53% वोट पड़े हैं और वहीं बंगाल में 66.34% मतदान हुआ है। बता दें इसमें त्रिपुरा में सबसे ज्यादा फीसदी मतदान हुआ है। बता दें देश के 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज मतदान हुआ है, जहां 21 राज्यों में 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ गया है।